बजट लाइन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेस्ड एग्जैक्टली इन द अवेलेबल इनकम। अगर मैं दो गुड्स के कॉम्बिनेशन बनाऊं, जैसे मेरे पास अगर 100 रुपए की इनकम है, इनकम को इकोनॉमिक्स में वाई से शो करते हैं, वाई मतलब यील्ड, मेरे पास 100 रुपए की इनकम है, तो मैं दो गुड्स 100 रुपए में, कौन से ऐसे दो गुड्स के कॉम्बिनेशन होंगे जिससे एग्जैक्ट 100 रुपए का खर्चा होगा। मतलब जैसे ऐसे मानते हैं, एक्स गुड्स का प्राइस है 10 रुपए, वाई गुड्स का प्राइस है 5 रुपए, और मेरे पास इनकम है 50 रुपए। अब मैं जानना चाहता हूं 50 रुपए में मैं क्या क्या कॉम्बिनेशंस खरीद सकता हूं। अच्छा, केवल एक्स खरीदना हो, हाउ मेनी एक्स, प्राइस इनटू क्वांटिटी से निकलेगा। इसे अगर प्राइस इनटू क्वांटिटी की हम बात करें तो ये होगा 10 इनटू, अब क्वांटिटी हम मेजर कर लेते हैं, अगर हमें 50 रुपए में खरीदना है तो क्वांटिटी होगी 5। केवल वाई खरीदना हो 10, यानी ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है। और क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यानी मैं ऐसे बात कर रहा हूं कि पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इक्वल्स टू इनकम, कुछ ऐसा बनना चाहिए। 50 रुपए में कितना हम खरीद पाएंगे, तो जैसे अगर आपने बोला कि सर इसका 10 रुपए प्राइस है और पी एक्स का मैंने प्राइस कितना रखा है 10 रुपए, और हम इसको 5 खरीद पा रहे हैं, तो 50 रुपए यही एग्जॉस्ट हो गए। तो 5 × 0 दैट इज 50 रुपए। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, सपोज 10 रुपए में हम 3 क्वांटिटी खरीद लेते हैं, कितना रुपए स्पेंड हुआ 30 रुपए, अब कितने रुपए बच गए वाई के लिए 20 रुपए बच गए, तो 5 × 4 दैट इज एग्जैक्ट 50 रुपीज। सपोज मैं बोलता हूँ इसका मैं 1 खरीदता हूँ, कितने रुपए बच गए मेरे पास 40 रुपीज, ये तो जनरल सी बात है, कितने रुपए बच गए मेरे पास 40 रुपीज, 5 रुपए के हिसाब से 8 क्वांटिटी लगा सकता हूँ 50 रुपीज। इन सारे कॉम्बिनेशंस को अगर मैं किसी लाइन पर शो करने की कोशिश करूंगा तो दैट इज नोन एज बजट लाइन। अच्छा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसका 1 और इसके 6 खरीद सकता हूं या नहीं खरीद सकता हूं, यानी 10 रुपए इस पे लगाऊं, 30 रुपए इस पे लगाऊं, 40 रुपए का आइटम खरीद सकता हूं या नहीं खरीद सकता हूं, मेरे पे 50 रुपए हैं, खरीद सकता हूं या नहीं खरीद सकता हूं। अगर मैं ऐसा खरीदता हूं तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बजट लाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट बजट सेट। अगर 12वीं में आपने पढ़ा हो, बजट सेट का मतलब होता है 50 रुपए के अंदर आप क्या क्या खरीद सकते हैं, और एग्जैक्टली 50 रुपए पे क्या खरीद सकते हैं वो बजट लाइन होगा। यानी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बजट लाइन, तो मुझे सारे कॉम्बिनेशंस का आंसर क्या चाहिए 50 रुपए, सारे कॉम्बिनेशंस का आंसर क्या चाहिए 50 रुपए। अगर किसी का भी 40 रुपए आ रहा है तो बजट लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो बजट लाइन के अंदर होगा। तो बजट लाइन का मतलब है एग्जैक्टली ऑन बजट हम क्या क्या कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रही बजट लाइन, यानी एक तरीके से अगर मेरे पे 50 रुपए हैं तो मैं 50 रुपए का क्या खरीद सकता हूं,
₹50 के अंदर क्या क्या खरीद सकता हूं, ये बजट लाइन नहीं है। एग्जैक्टली ₹50 में क्या क्या खरीद सकता हूं, ₹50 के अंदर तो मैं ₹40 में बहुत कुछ खरीद सकता हूं, 30 में भी 20 में भी, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। एग्जैक्टली ₹50 का मैं क्या खरीद सकता हूं, दैट इज नोन एज बजट लाइन। बताइए इस बात में कोई दिक्कत? इसका इंडिफरेंस कर्व से क्या रिलेशन है? ऐसा तो नहीं है कि मैं वो टॉपिक भूल गया, मुझे ध्यान है मैंने इंडिफरेंस कर्व पे छोड़ा था, आज मैं बजट लाइन पे शुरू कर रहा हूं, फिर इन दोनों को मिलाएंगे, राइट? अब मेन बात आती है स्लोप कैसा होता है बजट लाइन का। पहले मैं कुछ बेसिक बेसिक बात कर लूं, फिर इसे इंडिफरेंस कर्व से जोड़ लेंगे। यहां गुड्स एक्स रख देते हैं, यहां वाई रख देते हैं, ऐसे मिलाएं। अगर स्लोप ऑफ बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन, क्यों अभी चर्चा करेंगे। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ आईसी इज कॉन्वेक्स, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कोई चीज कब हो जाती है जनरल तरीके से इकोनॉमिक्स के? जब उसका रेशो टेकन अप और गिवन अप का सेम हो, दो छोड़ा दो लिया, तीन छोड़ा तीन लिया, मतलब अगर रेशो सेम है, अगर रेशो सेम है तो कोई चीज कैसी बनेगी? स्ट्रेट लाइन। तो एक जनरल तरीके से अगर मैं बोलूं, भाई मेरे पास ₹100 हैं, अगर मैं यहां से ₹20 माइनस करता हूं, एक जनरल तरीके से, कोई टेक्निकल नहीं, मैं यहां से ₹20 माइनस करता हूं तो मैं यहां कितने रुपए लगा पाऊंगा? ₹20। अगर मैं यहां से ₹40 माइनस करता हूं तो मेरे पास गुड्स एक्स पे कितने रुपए लगाने के लिए बचेंगे? 40। यानी यहां से मैं जितना माइनस करूंगा उतनी तो अवेलेबिलिटी यहां आएगी, ठीक है? तो अगर ऐसा होगा कि जितना मैं इस प्रोपोर्शन से हटा रहा हूं उतना ही उस प्रोपोर्शन पे लगा रहा हूं, तो कैसी लाइन खिंचनी स्टार्ट हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन। भाई अगर आप ध्यान रखें, वहां पर हमारा रेशो चेंज हो रहा था जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे थे, MRS देखें तो डिमिनिश हो रहा था। पहले आप 4 छोड़ रहे थे, फिर 3 छोड़ रहे थे, फिर 2 छोड़ रहे थे, फिर 1 छोड़ रहे थे, तो डिमिनिश हो रहा था, तो उसमें चेंज हो रहा था। अगर मैं कह रहा हूं मैं यहां से ₹20 छोड़ सकता हूं, भाई Y से मैं आज ₹20 छोड़ सकता हूं, टोटल बजट ₹50 का था, मैं ₹50 लगा के इतना वाई खरीद रहा था, अब मैं ₹20 छोड़ रहा हूं यहां से, तो कितने रुपए मैं एक्स पे लगा सकता हूं? यानी वाई पे लगा रहा हूं ₹30, एक्स पे कितने लगा सकता हूं? 20। तो जितना मैंने यहां सेक्रीफाइस करा उतना ही रुपए मैं यहां स्पेंड कर पाऊंगा। और अगर ऐसी चीजें हो कि जितना सेक्रीफाइस उतना ही गेन हो, तो स्लोप कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ये तो रही एक आम भाषा की बात, इकोनॉमिक्स वालों ने ऐसे नहीं बोला, क्योंकि फेस टू फेस क्लास में आम बातें भी की जा सकती हैं और इकोनॉमिक्स जनरल प्रिंसिपल्स पे भी है, तो ऐसे तो हम समझें कि स्ट्रेट लाइन है। वैसे किसी का भी इकोनॉमिक्स में स्लोप कैसे डिसाइड होता है वो एक टेक्निकल बात है। वैसे समझ में आ गया स्ट्रेट लाइन कैसे होगा, सेक्रीफाइस और गेन हमारा सेम होगा। अदरवाइज किसी भी गुड्स का अगर बेटे आपको रेशो वो स्लोप डिसाइड करना है, तो जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, या ये पॉइंट और ये पॉइंट है, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आया, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आया, या मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आया, इसका स्लोप डिसाइड करने का तरीका क्या होता है? एक एक्सचेंज रेशियो निकाला जाता है। हाँ जी, ये एक्सचेंज रेशियो कहता है यहां से यहां तक का डिफरेंस, क्योंकि आप पहले यहां थे अब यहां आ गए। भाई देखिए, अगर मैं पहले ये ले रहा था फिर मैं ये लेने लगा, तो मेरा डिफरेंस क्या हुआ? ये डिफरेंस हुआ ना, इसे मैं ये बोल रहा हूं, और ये इसमें पहले मैं ये ले रहा था क्वांटिटी, अब ये ले रहा हूं, तो इधर इतना प्लस हुआ। तो अगर मेजरली बात करें तो ये मेरा माइनस हुआ और ये वाला हिस्सा मेरा प्लस हुआ, दिख रहा है आपको? ये वाला हिस्सा मेरा माइनस हुआ और ये वाला हिस्सा मेरा प्लस हुआ। तो एक्सचेंज रेशियो निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस इज नोन एज
डेल्टा वाई, सपोज ये वाई एक्सेस है, अपॉन डेल्टा एक्स। ये रेशो स्लोप्स बताता है कि इकोनॉमिक्स में किसी भी कर्व का स्लोप क्या होगा। मैं बिल्कुल इकोनॉमिस्ट बन के बात कर रहा हूँ, मार्शल और ये सब बन के बात कर रहा हूँ आज तुमसे। वैसे अब तक मैं जनरल तरीके से बात कर रहा था। अगर मैं मेरे अंदर मार्शल की आत्मा आ जाए तो वो ये वाली बात कहेगी कि साहब आपको अगर स्लोप डिसाइड करना है तो एक्सचेंज रेशो निकाल लो आप पहले। एक्सचेंज रेशो कैसे निकलेगा भाई? हम अब तक क्या कर रहे थे, ऐसे समझिए हम स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं, तो पहले इतना गुड्स ले रहे थे इतना, फिर इतना कम किया इतना हुआ, तो ये कम हुआ ये ऐड हुआ। इस चीज को वो ऐसे भी दिखाते हैं कि यहां से यहां तक का ऐसे ले लीजिए, यहां से यहां तक का ऐसे ले लीजिए, यहां को छोड़िए, इतना और इन दोनों का रेशो लीजिए। तो एक्सचेंज रेशो क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और अगर ये एक्सचेंज रेशो डिक्रीजिंग होगा तो आंसर कॉन्वेक्स होगा। अब मैं बड़ा टेक्निकल बता रहा हूं कि अगर उसने सोच लिया हो कि बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछना है तो इस ऑब्जर्वेशन से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर ये एक्सचेंज रेशो बच्चों कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन कर्व बनेंगे, ये आपको नोट करना है कहीं पर अगर कर सकते हैं। और अगर ये एक्सचेंज रेशो इंक्रीजिंग होगा तो कर्व कॉनकेव बनते हैं। मैं इनकी फोटोज भी दिखा देता हूं आपको। कॉन्वेक्स होगा ऐसे, स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे, कॉनकेव होगा ऐसे। बस आप पहले ये नोट कर लीजिए, 12वीं का ही टॉपिक है बट इसको थोड़ा और डिटेल्ड कर देते हैं आपके साथ। किसी ने 12वीं में नहीं भी पढ़ा है तो मैं पूरी बात लिखा रहा हूं। हो सकता है 12वीं में इतना टेक्निकल पढ़ाया भी ना हो, कई बार नहीं पढ़ाते हैं, कोई जरूरत नहीं होती है, बस ठीक है। कोई कर्व अगर डाउनवर्ड है तो उसका रीजन है इनवर्स रिलेशनशिप। डाउनवर्ड में वो तीन शेप ले सकता है, कॉन्वेक्स, स्ट्रेट लाइन, कॉनकेव। आज एक बात निकल के आती है कि इसके ऊपर डिपेंड किस चीज़ का फर्क पड़ेगा, एक्सचेंज रेशो का। एक्सचेंज रेशो है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और ये रेशो अगर डिक्रीजिंग हुआ तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। डिक्रीजिंग कब होगा भाई? अगर एक्सचेंज रेशो में बात करूं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एक्स वो है जिसे हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस, तो डिक्रीजिंग होने का मतलब ये ज्यादा होगा, तो इसका मतलब आपका सेक्रीफाइस लगातार क्या होता जा रहा है, कम, तो कॉन्वेक्स बन जाएगा। और अगर ये कांस्टेंट है तो इन दोनों का रेशो हर बार कैसा आएगा, सेम आएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। ठीक, कॉनकेव होने का मतलब क्या होगा? कॉनकेव कब होता है? जब आपका, यानी ये ज्यादा हो ये कम हो, तो इसका मतलब डेल्टा वाई ज्यादा हो डेल्टा एक्स से, तो आंसर मोर देन वन आएगा, इंक्रीजिंग आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगी, कॉनकेव हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? स्लोप ऑफ बजट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, बजट लाइन का स्लोप कैसा होगा, क्योंकि इस पर एक टेक्निकल क्वेश्चन एक बार आया है इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ आपको। स्लोप ऑफ बजट लाइन वैसे देखा जाए तो सेक्रीफाइस और गेन बराबर ही होगा, 85 रुपये हैं तो अगर मैं 20 रुपये इधर से हटाता हूँ तो उधर कितने लगा पाऊंगा, 20-30 हटाता हूँ तो 30 लगा पाऊंगा, तो दैट वुड बी स्ट्रेट लाइन। और अगर मैं ऐसे देखूं, अगर मैं इनके कॉम्बिनेशन बना रहा था अभी, तो अगर आप कुछ भी कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, अब ऐसे देखिए, जैसे एक कर्व हम ऐसे लें, मैंने क्या बताया था, पी एक्स है मेरा 10 रुपये,
पी वाई है 5 रुपये और पैसा कितना अवेलेबल है मेरे पास 50 रुपये। अगर मैं केवल और केवल वाई खरीदना चाहता हूं कितने वाई खरीद पाऊंगा 50 रुपये है और वाई का प्राइस है 5। हाउ मैनी वाई 10। अगर मैं केवल एक्स खरीदना चाहता हूं आपने पता है कैसे निकाला, आपने कहा अवेलेबल बजट अपॉन प्राइस, सॉरी ऐसे तो निकाला 50 रुपये में 5 रुपये वाली चीज कितनी खरीदी जाएगी, तो 50 अपॉन 5 जो आपके मन ने कैलकुलेशन करी उसको मैं फॉर्मलाइज्ड कर रहा हूँ। जैसे आपने बोला ना 10 खरीद पाएंगे तो जो आपके मन ने कैलकुलेशन करी वो ये करा 50 अपॉन 5 और यहाँ पे भी आपने क्या किया होगा वाई अपॉन प्राइस ऑफ एक्स 50 रुपये में 10 रुपये वाली चीज़ कितनी खरीद पाएंगे 5। यहाँ से यहाँ तक यही तो होगा। अगर हम एक्सचेंज रेशियो देखें तो एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, इसे मैं ओ मान लेता हूँ, इसे मैं ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो मैं किसका चेंज कर रहा हूँ ओ ए, पूरा चेंज हो रहा है ना, ओ ए पूरा चेंज हो रहा है अपॉन, भाई एक्सचेंज रेशियो क्या होता है जो चेंज हो रहा है, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ जाना चाहता हूँ तो पूरा जीरो लाना पड़ेगा इसे, तो कितना चेंज होगा ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए इज वॉट वाई अपॉन पी वाई, ओ बी इज वॉट वाई अपॉन पी एक्स। मेरी बात समझिए, एक्सचेंज रेशियो मैं यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा हूँ, यहां से यहां भी जा सकता हूं बट मैं कह रहा हूं वैल्यूज अगर दी हैं तो यहां से यहां भी जा सकता हूं, अदरवाइज यहां से यहां भी जा सकता हूं। बजट लाइन में सारे रेशो सेम होंगे, रीजन क्या है सारे रेशो सेम होंगे, क्योंकि बजट एग्जैक्टली 50 रुपए का है, 10 रुपए यहां छोड़ोगे तो वहां 10 लगाओगे, 20 यहां छोड़ोगे तो 20 लगाओगे। सो आप किसी भी पॉइंट पर बजट लाइन कैलकुलेट कर लीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर। तो अगर मैं मानता हूं मैं यहां से यहां जाऊंगा तो मुझे पूरे 10 रुपए का ये पूरी क्वांटिटी छोड़नी पड़ेगी और ये पूरी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, तो व्हाट इज माय डिफरेंस, ए से लेके ओ तक पूरा छोड़ना पड़ेगा, डेल्टा ये हो जाएगा, डेल्टा ओ ए हो जाएगा, ओ बी, ओ ए को क्या डिफाइन किया था वाई अपॉन पी वाई, ओ ए कैसे आया था, 10 क्वांटिटी कैसे आई थी वाई अपॉन पी वाई। इसको सॉल्व करिए जरा, सो वी कैन से बजट लाइन का स्लोप इज कॉल्ड पी एक्स अपॉन पी वाई। सो इफ somebody says what is budget line, तो आप बोलो किसी भी लाइन का रेशो क्या होता है, डेल्टा जो भी उधर का चेंज है वाई एक्सेस का अपॉन डेल्टा एक्स एक्सेस का। बजट लाइन में ऑन ईच पॉइंट इट वुड बी सेम बिकॉज रेशो ऑफ एक्सचेंज क्या रहना है बजट लाइन में सेम। तो ऐसे में अगर मेरे को ये क्वांटिटी तो क्लियर ही है, बाकी पॉइंट्स का अगर मैंने डाटा दूं तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर मुझे यहां से यहां पहुंचना है तो मुझे पूरी 10 क्वांटिटी छोड़नी पड़ेगी, तब मैं इसकी 5 क्वांटिटी ले पाऊंगा। तो OA छोड़ना पड़ेगा OB लेने के लिए, तो डेल्टा चेंज कितना होगा OA अपॉन, इसमें चेंज कितना होगा OB, OA इज Y अपॉन PY से बना था OA 10 क्वांटिटी। अब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान करिए, सिर्फ आपको जो पॉइंट नोट करना है समझ में इतना ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो आप ये बात समझिए, एग्जाम में आ सकते हैं व्हाट इज बजट लाइन, तो वहाँ पे फॉर्मूला दे देगा पी एक्स अपॉन पी वाई, एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई, कुछ और फॉर्मूले बना के दे देगा। तो बजट लाइन का मतलब क्या होगा पी एक्स अपॉन पी वाई, हाउ इट इज़ डिराइव्ड वो मैंने बता दिया, फिर डेरिवेशन है नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं कहता हूँ एक्सचेंज रेशो मेरा इंक्रीजिंग हो रहा है तो आपको हमेशा कॉनकेव बोलना है, एक्सचेंज रेशो डिक्रीज हो रहा है कॉनवेक्स, एक्सचेंज रेशो कांस्टेंट है स्ट्रेट लाइन। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सचेंज रेशो इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज, एक्सचेंज रेशो इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व डिक्रीजिंग,
तो अब ये क्वेश्चन जब आएगा तो अब आप आंसर दे सकते हो। घुमा के ऐसे पूछता, एक्सचेंज रेशो इंडिफरेंस कर्व में क्या होगा? डिक्रीजिंग। बजट लाइन में एक्सचेंज रेशो क्या होगा? या ऐसे भी पूछ सकता है, इनमें से कौन सी बात सही है? तो ऐसे पूछ सकता है, इंडिफरेंस कर्व में एक्सचेंज रेशो डिक्रीजिंग है, बजट लाइन में कांस्टेंट है, या इन्हें घुमा घुमा के चार पॉइंट बना सकता है। ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मुझे इतना सारा आपके साथ बात करना पड़ा, सिर्फ इस क्वेश्चन की वजह से इतनी देर से मैं बात कर रहा था। और बजट लाइन क्या होगा? पी एक्स अपॉन पी वाई, राइट। और आईसी कैसे बनता है? एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई। इनडिफरेंस कर्व में हम ये विलिंग टू सेक्रीफाइस देखते हैं, मैं कितना छोड़ना चाहता हूं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यूटिलिटी। और बजट लाइन में एक्चुअल सेक्रीफाइस देखना पड़ेगा। देखिए दोनों में जरा अंतर समझिए। इनडिफरेंस कर्व में मुझे ये होता है, मुझे इतनी यूटिलिटी मिल रही है, यूटिलिटी मेरी गिर रही है, तो मैं भाई दूसरे गुड्स को पहले चार छोड़ रहा था, अब मैं तीन ही छोड़ूंगा, अब मैं दो छोड़ूंगा। बजट लाइन में मजबूरी है आपको ₹50 के अंदर कॉम्बिनेशन देखने हैं, तो अगर ₹20 का एक सामान बढ़ा रहे हो तो कितने रुपए का दूसरा सामान छोड़ना पड़ेगा? बजट लाइन में तो एग्जैक्ट ₹50 बनाने हैं ना, एक्चुअल सेक्रीफाइस जो आपको करना पड़ेगा, इसमें विलिंगनेस नहीं है। और बजट लाइन में विलिंग टू सेक्रीफाइस है। विलिंग टू सेक्रीफाइस डिपेंड करता है मुझे सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, मैं उस हिसाब से पैसे देना चाहूंगा। मेरे पास ₹50 है पर मुझे सेटिस्फेक्शन 40 का आ रहा है, तो मैं कितने रुपए देना चाहूंगा? 40। लेकिन अगर बजट लाइन का क्वेश्चन है तो मुझे कितने देने पड़ेंगे? 50। आईसी लगातार गिरता जाता है क्योंकि हम सेक्रीफाइस कम करना चाहते हैं, पर बजट में एग्जैक्ट करना है। तो आईसी जो बनता है वो MUX अपॉन MUY से बनता है, इनके बेसिस पे सेक्रीफाइस करते हैं। और बजट में प्राइस के बेसिस पे करते हैं, ₹20 इधर से हटे तो ₹20 उधर लगेंगे। तो बजट लाइन होता है PX अपॉन PY। सो इफ समबडी आस्क MUX अपॉन MUY किसको शो कर रहा है, आप बोलेंगे MRS को, और MRS के ऊपर बेस कौन सा कर्व है? IC। और PX अपॉन PY किसको शो कर रहा है? बजट लाइन को। इतनी बात समझ में आई? अब आइए बुक में, थोड़ा सा टेक्निकल है, एक बार जाके देखेंगे इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव तो मेरी बातें सुनने से ही हो जाएंगे आपके। बजट लाइन के लिए इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया, और बेसिक वही सारा आ गया जो PX और PY का है। अगर आप पेज पलटेंगे पेज 2.70 पे, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन वाली आखिरी लाइन देख लीजिए, 2.70 पे, मतलब ऊपर सबसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से ऊपर क्या होगा? प्राइस रेशो, दैट इज PX अपॉन PY। और IC का स्लोप डिसाइड करने के लिए क्या होगा? MUX अपॉन MUY। अब ये मैं चार IC खींच रहा हूं, IC1, IC2, IC3, IC4। आपको किस में सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा? IC4। क्यों? इसमें हायर क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, ये लास्ट क्लास में बात हुई। तो आप कौन सा लेना चाहेंगे? IC4। IC4 है ₹2000 का, आपने अपनी जेब में देखा निकले ₹1000, बट IC4 आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देगा। तो क्या IC4 आप ले पाएंगे?
पैसे हैं आपके पास 1000, IC4 के अंदर क्वांटिटीज ज़्यादा है, जब क्वांटिटी ज़्यादा है तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा, पैसा लग रहा है 2000 रुपये, लेकिन मज़ा IC4 में ही सबसे ज़्यादा आएगा, क्या होगा, ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, तो IC4 तो कोई फ़ायदा नहीं लेने का। इकोनॉमिक्स क्या कहती है, अवेलेबल रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करना है। व्हाट इज द अवेलेबल रिसोर्स, 1000 रुपए। इसके बाहर की सारी सोच इकोनॉमिक्स नहीं है, वो सब कल्पनाएं हैं। आपके पास 1000 रुपए, तो आप 1000 रुपए का बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए, तो आप IC4 पे तो नहीं जा सकते, तो आप किस IC को लेना चाहेंगे, जो हमारी रेंज में हो और जो हाइएस्ट हो। मान लीजिए मैंने अपनी बजट लाइन खींची और ये टच करती हुई निकल गई IC2 से, इसका मतलब IC3 भी मेरी पहुंच से बाहर है, IC4 भी मेरी पहुंच से बाहर है, ये दोनों मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, मैं मेरी पहुंच में नहीं है, पहुंच में नहीं है तो फिर क्या फायदा, IC2 मेरी पहुंच में है और IC1 भी मेरी पहुंच में है, मुझे क्या लेना चाहिए, नहीं वन भी ले सकते हैं, वन भी हमारे पास है, बट वन इज गिविंग लेसर सेटिस्फेक्शन, तो हमें कौन सा लेना चाहिए, IC2। अब IC2 में भी देखिए, मान लीजिए ये है X, ये है Y, ये है Z। IC2 में आई एम एबल टू बाई X, इट इज ऑन माई बजट लाइन, बट आई कैन नॉट बाई Y, ये मेरे बजट से बाहर हो रहा है, एंड आई कैन नॉट बाई Z, ये भी मेरे बजट से बाहर हो रहा है, क्या मुझे दुख होगा कि मैं X ले पा रहा हूं Z नहीं ले पा रहा। IC2 पे चाहे Z हो, चाहे X हो, चाहे Y हो, तीनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम है, और सेम सेटिस्फेक्शन अगर मुझे मेरे बजट के अंदर मिल रहा है तो मुझे Y के जाने से कोई दुख नहीं हो रहा, क्योंकि Y के बराबर का सेटिस्फेक्शन ही X में और वो मेरे बजट में मिल रहा है, और IC1 का ये पॉइंट M है, ये भी मेरे बजट पे टच हो रहा है, कौन सा पॉइंट मुझे लेना चाहिए, M या X? क्योंकि M लोअर IC पे है, मेरे बजट में अगर मैं IC1 की कोई चीज लगा रहा हूं तो उसका सेटिस्फेक्शन कम होगा, भाई X हायर IC पे है तो इट गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन, सेम बजट में M मिल रहा है विच इज ऑन लोअर IC विच गिव्स लोअर सेटिस्फेक्शन, तो सेम पैसे में ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेना चाहिए। तो कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट पहले तो बताइए इकोनॉमिक्स में क्या कहलाता है, जो बेस्ट पॉइंट होते हैं वो इकोनॉमिक्स में क्या कहता है, इक्विलिब्रियम, ये लास्ट 3-4 क्लासेस में बात हुई, जो बेस्ट पॉइंट इकोनॉमिक्स में होता है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर अगर इक्विलिब्रियम ढूंढ रहा है तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहा है, प्रोड्यूसर अगर इक्विलिब्रियम ढूंढ रहा है तो मैक्सिमम प्रॉफिट ढूंढ रहा है, कंज्यूमर के लिए बेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, X, यानी हम बोले जहां पर बजट लाइन टच करे इनडिफरेंस कर्व को, या इनडिफरेंस कर्व बजट लाइन पे आए, और कौन सा इनडिफरेंस कर्व, हायर, अदरवाइज अगर इतना छोड़ देता तो ये भी आ जाता और ये भी आ जाता, दोनों IC बजट लाइन को टच कर रहे हैं, और बजट लाइन को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं PX/PY, और इनडिफरेंस कर्व को बोल सकता हूं मैं MUX/MUY, और MUX/MUY को मैं MRS भी बोल सकता हूं। सो अगर कोई मुझे ये इक्वेशन देता और कहता है क्या ये इक्विलिब्रियम है, तो मैं क्या बोलूं, क्या ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है, बिकॉज बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व दोनों बराबर है, बजट लाइन और इक्विलिब्रियम, ये IC कर्व हमारे दोनों बराबर है। अगर हम बजट लाइन के अंदर कुछ चीज खरीदते हैं तो पैसे को कम यूटिलाइज कर रहे हैं, बजट लाइन के बाहर हम खरीद ही नहीं पाएंगे। पेज 2.71 पे लास्ट फॉर्मूला देखना, यही फॉर्मूला दिया है ना, क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, देख लेते हैं भाई आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं।
अभी इसमें दिया नहीं है, पहले थे, इसी पे बेस आ जाएंगे वो। तो मैं अभी अब शेयर करने स्टार्ट कर दूंगा क्वेश्चंस। मैं शेयर कर लूंगा तो कोई बात नहीं। अभी इन्होंने दिया नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज इक्विलिब्रियम, तो आप ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं। अच्छा, विच थ्योरी इज सुपीरियर, मतलब मार्शल का कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल इसलिए है क्योंकि इसने एक बात तो मार्शल की मान ली कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है, लेकिन एक जो वेग कॉन्सेप्ट था कि यूटिलिटी नापी जा सकती है वो इसने नहीं लिया। तो इसने अच्छी बात वहाँ की उठा ली और ख़राब बात छोड़ दी। तो आप पेज 2.71 पे लास्ट पढ़िए, समरी से ऊपर, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज सुपीरियर टू यूटिलिटी एनालिसिस, इट डिस्पेंस विद द एजम्पशन ऑफ मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी नापी जा सकती है, इसको तो खारिज कर देता है। एक से ज्यादा कॉमोडिटीज के बारे में बात करता है। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी पे, अच्छा इन दोनों बातों पर अभी मेरी बात रह गई है, वो करता हूं मैं आपसे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो अभी बस पहले ये दो बातें बताओ, ये दो बातें तुम्हें समझ में आ गई कि आईसी कर्व क्यों बेटर है? क्योंकि एक तो कार्डिनल अप्रोच खत्म कर देता है और यूटिलिटी कम होती रहती है किसी भी चीज को यूज करने की, वो वाली बात ये एज्यूम करता है। अगर हम टू गुड्स दें आपको, एक जनरल कंसेप्ट भी बोल रहा हूं, टू गुड्स अगर हम आपको दें, एक एक्स है एक वाई है, एक्स सेटिस्फेक्शन देता है 10, वाई देता है 15, विच इज बेटर? आप किसको लेना पसंद करेंगे? वाई को। एक्स का प्राइस है 2 रुपए, वाई का प्राइस है 5 रुपए। 2 रुपए खर्च करके 10 सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, 5 रुपए खर्च करके 15 मिलता है, यानी पर रुपी सेटिस्फेक्शन एक्स में 5 है और पर रुपी सेटिस्फेक्शन वाई में 3 है। तो रुपए का बेस्ट यूटिलाइजेशन कहां हो रहा है? सो केवल ये देख के तो डिसाइड नहीं हो सकता ना। अगर दो गुड्स के बारे में कभी भी बात होगी तो केवल और केवल सेटिस्फेक्शन देख के काम नहीं हो सकता। तो जब भी हम दो गुड्स के बारे में बात करेंगे हमें प्राइस इन्वॉल्व जरूर करना पड़ेगा। मैं दूसरे एंगल से एक बात बोल रहा हूं, अगर मैं दो गुड्स के बारे में बात कर रहा हूं, सिर्फ सिंगल गुड्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो भैया जो सेटिस्फेक्शन हाई दे दे, मतलब जब मेरा उस गुड से सेटिस्फेक्शन हाई हो। लेकिन अगर मैं दो गुड्स के बारे में बात कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं एक गुड ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो भी जरूरी नहीं मैं उसे खरीदूं, क्योंकि उसका प्राइस भी देखना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर रुपी सेटिस्फेक्शन आपने कितना बोला 5, यहां बोला 3, यानी यहां बोला आपने, इसे एमयू बोल देते हैं, एमयू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स और एमयू वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई, अगर ये ज्यादा आ रहा है तो आप किस गुड्स को खरीदना चाहेंगे? अरे ये 5 रुपए पर रुपी 5 सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं या पर रुपी 3 दे रहा है, विच इज बेटर? एक्स। और अगर मैं कभी ऐसे बोलूं तो आप दोनों गुड्स कब खरीदेंगे? जब ये सेम दे, मतलब इसका प्राइस होता 3 रुपए, तो ये 2 रुपए में 10 दे रहा है, 3 रुपए में 15 दे रहा है, ये हर एक रुपया मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन दे रहा है? 5 रुपए। यानी कंज्यूमर को अगर दोनों गुड्स खरीदने हैं तो ये बराबर होना चाहिए, और अगर मैं इन्हें इंटरचेंज करूं
कुछ ऐसे बन जाएगा। तो अगर कभी भी लाइफ में दो गुड्स के बारे में बात होगी तो केवल एमयू से बात हो सकती है या प्राइस इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। इसी बात को घुमा के उन्होंने उधर ऐसे समझाया, बजट लाइन अलान फलान टेक्निकली अंडरस्टैंडिंग दी। अब मैं आपको जनरल बात बता रहा हूं, विदाउट बजट लाइन टू गुड्स थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं हो सकती। मैंने आपको बोला एक 10 दे रहा, आप 15, आप 15 के साथ चले गए बिना पैसे सुने, सब बर्बाद कराए पैसे। वो पहले पूछना पड़ेगा, सर चीज तो अच्छी है कितने की है। तो इसीलिए इंडिफरेंस कर्व ने बजट लाइन की कॉन्सेप्ट डाली और फाइनल थ्योरी यही आ गई। इस थ्योरी को मैं इतनी देर से घुमा रहा था, इसको ऐसे समझ लो। मेरे पास तो बहुत सारे तरीके बात बताने के, इसको जनरल तरीके समझ लो, नई बात समझ में आ रही तो ऐसे समझ लो, भाई प्राइस तो होगा ही होगा जब दो गुड्स हैं तो। ठीक है, तो अब कभी भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, बस ये दो लास्ट पॉइंट रह गए हैं आपके। कल सारे क्वेश्चंस करके आइए इन दो बातों को, जो सब्स्टिट्यूट है और इनकम इफेक्ट है, ये दो लाइनें, और सारे क्वेश्चंस कल इस क्लास को रखेंगे। और अब मैं कोर्स तेजी से बढ़ाता हूँ, जो भी मेरा गड़बड़ हुआ पीछे सब पूरा करता हूँ। मतलब सारे क्वेश्चन, मतलब सारे 100 तक के, 100 नहीं 108 तक के सारे कर लेंगे कल, सारी प्रॉब्लम पूछ लेंगे।